नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत सक्सेना है। मैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। चेस्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो सांस के रोगों को देखते हैं, जो कि लंग्स से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। आजकल हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कोरोना वायरस सबसे पहले पता चला था कुछ साल पहले, जबकि कोरिया में एक एपिडेमिक हुआ था, जिसको कि हम सार्स एपिडेमिक के नाम से जानते हैं, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसमें कई जानें गई थी। उसके बाद ये वायरस मिडिल ईस्ट में हुआ एक एपिडेमिक की तरीके से, वहाँ भी कई जानें गई। और अभी रिसेंटली चाइना में एक प्रोविंस में कई लोगों की जानें गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस क्या है और ये इतना डेडली क्यों है? कोरोना वायरस एक कॉमन वायरस है जो कि अन्य वायरस की तरह से आम कम्युनिटी में पाया जाता है, और इससे हमें नॉर्मली कोल्ड, जुकाम, साइनस के इन्फेक्शन, गला ख़राब होना, इस तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर ये वायरस सीवियर रूप धारण कर ले तो हमारे लंग्स में जाके ये हमें सांस की दिक्कत होना, चेस्ट पेन होना, और अगर कंट्रोल ना हो तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कम हो जाती है और हमें आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है, हमें वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों में ये वायरस बहुत ही सीवियर डिजीज़ करता है, जिससे कि लंग्स के अलावा किडनी, लिवर, हार्ट और भी ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अगर सही समय पे इलाज ना मिले। ये वायरस आमतौर पे एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह से फैलता है, मतलब कि ये हमें छींकने पे, खांसने पे, हवा में जो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, अगर वो हमारे अंदर आते हैं तो हमें ये वायरस हो सकता है। अगर कोई इंसान इससे पीड़ित है तो उससे हाथ मिलाने से, गले मिलने से, या वस्तुएं शेयर करने से, खाना पीना साथ खाने से भी ये वायरस हमारे को फैल सकता है। अगर आपको कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी या फिर मुख्य बीमारियों के बारे में जानकारी लेनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डॉक्टर्स के द्वारा मुख्य बीमारियों के इलाज के संबंधित, और कोई भी दिक्कत हो आप उस पर पूछ सकते हैं। वायरस के बचाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। कई वायरस ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी में पाए जाते हैं, जिनका इलाज नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस का अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि हम आपको ऑफर कर पाएँ। नंबर टू, वायरस वैक्सीन्स, क्या इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध है? इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन्स जो हैं कोरोना वायरस की डेवलपमेंट स्टेज में हैं और अभी तक मार्केट में नहीं आई हैं, जिसकी वजह से ये वायरस अब बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ना तो वैक्सीन है, ना कोई दवाई है इलाज करने के लिए। तो हम लोग क्या करें? हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हमें खांसी है या बुखार है, सबसे पहले इलाज हमें अपने से शुरू करना होता है। तो अगर हमें खांसी और जुकाम है और हमें मालूम है कि कोरोना वायरस का सीज़न है, तो हम उस दिन घर पर रहें या छुट्टी लें और बाहर ना जाएं। अगर हमें बाहर भी जाना पड़ता है तो हम कोशिश करें कि हम मास्क पहनें, और जब भी हम घर में वापस आएँ या कहीं भी बाहर जाएँ तो हमें नियमित रूप से हाथ धोते रहना चाहिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं जिसको खांसी जुकाम है, तो हम उनसे विनती कर सकते हैं कि वो जब खांसें या छींकें तो रुमाल लगा के छींकें या खांसें, प्लस हम उनसे हाथ मिलाएं, या उनको हम बोल सकते हैं कि आप अपने हाथ रेगुलरली धोइए। या फिर अगर आपको लगता है कि व्यक्ति बहुत ही गंभीर है और बार बार खांस रहे हैं, तो हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि वो जाके मेडिकल चेकअप कराएं। रही बात खाने की, तो हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, और अच्छे तरीके से सुबह दोपहर शाम का खाना खाएं। याद रखिए कि इसमें क्योंकि बुखार होता है, तो बुखार की वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो खूब पानी पीते रहें और अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें। प्लस अगर हम आउटडोर एनवायरनमेंट में हैं, अगर हमको मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो इस सीज़न में, स्पेशली विंटर्स के सीज़न में, हमें मास्क पहनना चाहिए, और जहाँ भी हमें लगे कि कोई संक्रमण हुआ है, हमें तुरंत डॉक्टर से अपने आके मशवरा करना चाहिए। इस बीमारी को कैच करने के लिए दो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं, छोटे बच्चे जो घर में होते हैं और एल्डरली पीपल। ये दो ऐसे एज ग्रुप हैं जिनमें ये वायरसेस जल्दी से अटैक करते हैं और गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। अगर ये वायरस प्रेगनेंसी में होता है तो
बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें अगर प्रेगनेंसी में ये वायरस हुआ तो अबॉर्शंस हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं और डिलीवरी जल्दी भी हो सकती है। तो अगर प्रेग्नेंट फीमेल को इस सीज़न में खांसी बुखार या इस तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि वायरस के से हम पीड़ित हों। तो हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो क्या हमें इसे डरने की जरूरत है? इसका आंसर है कि हर बीमारी जो वायरस के रूप में होती है वो बहुत ही माइल्ड फॉर्म में होती है। उसी तरह से कोरोना वायरस भी है जो कि एक बहुत माइल्ड डिजीज़ करता है, जिस तरह की और वायरस भी करते हैं। दिक्कत यह है कि इसका कोई इम्यूनाइजेशन नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से जब भी ये वायरस गंभीर रूप में हमारे सामने आता है तो हम लोग सिर्फ सपोर्टिव केयर दे पाते हैं और आपके इलाज के लिए हम बस ऑर्गन फंक्शन पर ध्यान रख सकते हैं। आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, आपका इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, क्योंकि जैसे ही आपको अगर लगे कि घर में कोई बीमार है, आसपास कोई वायरस के लक्षण वाला पेशेंट है या आपकी कोई दोस्त हैं, तो उनको आप सहायता कर सकते हैं, उनसे आप आग्रह कर सकते हैं कि आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मास्क पहनें, आप छींकते वक्त अपने मुंह ढकें रुमाल से। और बच्चे अगर स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं और आपको मालूम है कि स्कूल में कुछ बच्चों को है, आपके बच्चों को है, तो आप एक दो दिन की बच्चों की छुट्टी भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर इसका बचाव कर सकते हैं और वायरस को दूर रख सकते हैं तो यही हमारे पास एक तरीका है इस समय इस वायरस से लड़ने का। और हेल्दी डाइट लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, शराब का सिगरेट का सेवन ना करें और अपने को एक दिनचर्या स्वस्थ दिनचर्या के रूप में रखें। अगर आपका कोरोना वायरस के बारे में कोई भी सवाल है या क्वेरी है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल पूछें और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जवाब दें। प्लस अगर आपके कोई कम्युनिटी में लोग हैं जिनसे आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं जिससे कि सबका फ़ायदा हो, तो कृपया ऐसा ज़रूर करें।